नमस्कार दोस्तों, धाकर आर्यन यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आटा चक्की घिसाई करते समय या ग्रेडिंग करते समय कौन सा ब्लेड यूज़ करें। उसके लिए हमारे पास हमारे सब्सक्राइबर बहुत सारे दोस्तों के कमेंट्स आते हैं कि आप जो ब्लेड यूज़ करते हो उससे रिलेटेड एक वीडियो बनाएं, या कितने का आता है, कौन से वाला यूज़ करें उससे रिलेटेड एक वीडियो बनाएं। तो इससे रिलेटेड हमको बहुत सारे कमेंट्स आते हैं, तो उसी के लिए आज हमने एक छोटा सा वीडियो बनाया है। उसमें आपको पूरी जानकारी बताएंगे कि कौन सा ब्लेड यूज़ करते हैं और कौन सा ब्लेड हमको यूज़ करना चाहिए और कौन सा नहीं। तो आप वीडियो के साथ बने रहिए। तो हमें मनु शर्मा जी का कमेंट्स मिला है, ब्लेड कौन सा है, ये पूछ रहे हैं कि ब्लेड कौन सा है आपके पास। उसके बाद हमें सौरभ दे जी का कमेंट मिला है कि आप जो ग्राइंडिंग ब्लेड यूज़ किया है उसका नाम क्या है, हमें बताएं। उसके बाद कमेंट मिला है हमें विशाल थोमरे जी का, विच ग्राइंडर ब्लेड यूज़, मतलब आप कौन सा ग्राइंडिंग ब्लेड यूज़ करते हो। उसके बाद हमें कमेंट मिला है रोहित पटेल जी का, ये तो पूछ रहे हैं कि भैया टकाई के लिए कौन सा एंगल ग्राइंडर लें, किस कंपनी का प्लीज़ बताएं। तो रोहित पटेल जी, आप कोई सी भी कंपनी का ग्राइंडर ले सकते हैं। इसमें सर लोडिंग वाला काम नहीं है, आप जो आपकी मर्जी हो उसी कंपनी का ग्राइंडर ले सकते हैं। 600 से 800 वाट के बीच आप ले सकते हैं, हल्का काम है, कोई सा भी ले लीजिए। जैसा कि दोस्तों आप वीडियो में देख पा रहे हैं, आपको दो टाइप के ग्राइंडिंग ब्लेड देखने को मिल रहे हैं, ये और ये वाला, तो दोनों सेम है। बात रही इसकी, ये थोड़ा अलग देखने को मिल रहा है अपने को, तो इसमें थोड़ा डिफरेंस है। इसमें डिफरेंस ये है कि आप देख पा रहे हैं यहाँ से इसमें बीच बीच में कट है, देख लीजिए आप, इसके हर गोलाई के बीच बीच में कट है। और इसमें आप देख पा रहे हैं ये कट नहीं है, सिर्फ प्लेन है, गोलाई में ही है। तो इसका मतलब ये होता है दोस्तों कि ये कट वाला रहता है ना, ये अपना टाइल्स वगैरह भारी स्टोन वगैरह इनको कटिंग का काम करता है, सीधा चलता है, घिसाई के काम में इसको नहीं लेना है। तो ये वाला ब्लेड अपने को आटा चक्की घिसाई के लिए बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना है, ये सिर्फ स्टोन कटिंग का, टाइल्स कटिंग का आदि कार्य में लिया जाता है, ये रीडिंग के काम में नहीं लिया जा सकता। अपने को इसको कदापि यूज़ नहीं करना चाहिए। कभी कभार अपने पास नहीं हो तो सिर्फ इसका यूज़ कर सकते हैं, अगर इसका यूज़ रेगुलर करेंगे तो ये कट लगा सकता है, अपना स्टोन ख़राब कर सकता है, तो इसको अपने को ग्रीडिंग में यूज़ नहीं करना है। अपने को आटा चक्की ग्रीडिंग के लिए हमेशा इस टाइप का ब्लेड यूज़ करना चाहिए। ये कोई सी इसकी स्थायी कंपनी नहीं रहती है दोस्तों, मार्केट में हर बार अलग अलग कंपनी के अपने को मिल जाते हैं शॉप पर। अभी ये शॉर्ट पीस का है, पिछली बार हमारा जो था वो अलग कंपनी का, ये देख लीजिए हमारे ग्राइंडर में लगा हुआ है, इसमें अभी इतना माल है आप देख पा रहे हैं, और ये हमारा जो आधे से ज़्यादा इसका माल घिस गया है, बस ये ख़राब होने लगा है। अब हम इसको नहीं चलाएंगे, नहीं तो ये टूटने लगेगा, यहाँ से इसका जो लेवल बना हुआ है ये टूटने लगेगा, जिससे कि अपने ब्लेड ख़राब हो जाएगी और अपने हानि हो सकती है, कुछ भी नुकसान हो सकता है, अपने लग सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। तो अपने को इसको यूज़ नहीं करना है, ये आखिरी यूसेबल था इसका। अब अपने को जो नया वाला है ये यूज़ करना है इस टाइप का। इसमें बहुत सारी कंपनियाँ आती है, बहुत सारे दोस्त कमेंट करते हैं कि कौन सी कंपनी का लें। दोस्तों इसमें हर बार अलग चेंजिंग कंपनी मिलती है अपने को मार्केट में, बट अच्छा वाला ही लेना है। ये टाइल्स मोल्डिंग, मार्बल मोल्डिंग आदि का काम करता है, अपने को भी स्टोन ग्रीडिंग करना है तो अच्छा ही लें, तो ये अच्छा ही है। इसकी मार्केट की रेट की बात करते हैं दोस्तों, तो अभी इस पर प्रिंट रेट तो MRP है 130 रुपये, बट हमें मार्केट में हमेशा कोई सी भी कंपनी लो, अच्छी वाली कंपनी लेते हैं हम हमेशा, तो ये हमें 90 से 100 रुपये में बाज़ार में मिल जाता है, हर बार यही रेट मिलता है। हो सके आपके यहाँ कुछ थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो, कम ज़्यादा हो, बट हमारे यहाँ तो MP की बात करते हैं तो ये 90 से 100 रुपये में हर बार हमें मार्केट से मिल जाता है। इससे हम 3-4 बार ग्रीडिंग कर सकते हैं 18 इंच स्टोन, दोनों स्टोन, तो ये काफ़ी अच्छा रहता है। और हमेशा आपको ध्यान रहे कि यही वाला ब्लेड यूज़ करना है बिना कट का। इसमें डिफरेंस ये है कि ये जो ये कट वाला है ना, ये ग्रीडिंग का काम नहीं करता, इसको हमें कभी भी यूज़ नहीं करना है, हमेशा आपको ये वाला यूज़ करना है। देख लीजिए आप, इसमें कंपनी वगैरह कुछ नहीं रहती, सभी कंपनी हर बार अलग अलग चेंजिंग कंपनी मिलती है, हर बार नई नई कंपनी मिलती है, बट अपने को अच्छा ही लेना है, हल्का वाला नहीं लेना है।
उसके बाद आपको एक बात बता रहा हूँ दोस्तों कि इसमें सेफ्टी फर्स्ट, मतलब अपने को ग्रेडिंग का कोई सा भी काम करते हैं, चाहे आटा चक्की का स्टोन घिसा ही हुआ है, दूसरा कोई सा भी काम करें ना, तो अपने को सेफ्टी के साथ ही काम करना है हमेशा। मुंह पे मास्क लगा होना चाहिए, ग्लव्स पहने हुए रहने चाहिए, हाथों में आंखों पे चश्मा लगा होना, उसी के बाद अपने को अपना ग्रेडिंग का काम करना है, उसी के बाद ग्राइंडर चलाना चाहिए। तो दोस्तों आज जो आपका ये जो कन्फ्यूज़न था वो हमने आज दूर कर दिया है। बहुत सारे दोस्त कमेंट्स से पूछ रहे थे, बहुत सारे दिनों से कमेंट्स आ रहे थे कि आप ये जो ब्लेड यूज़ करते हो वो बताइए, हम भी ऐसे ग्रेडिंग करें। दोस्तों ऐसा कुछ नहीं है, सभी से आप ग्रेडिंग कर सकते हैं, बट आपको तरीका याद होना चाहिए। बट हम हमेशा इसी टाइप के ग्राइंडिंग से आटा चक्की की स्टोन घिसाई करते हैं। चाहे तो आप हमारा वीडियो, पीछे हमने वीडियो भी डाल रखा है, उसी में इसी प्रकार का ब्लेड लगाकर यूज़ करके वीडियो बना रखा है, तो आप देख लीजिए। दोस्तों अगर आपको हमारा ये छोटा सा वीडियो पसंद आया हो तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।